राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शनिवार को सीआरसी गोरखपुर में महिला आयोग एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर में महिलाओं के लाभार्थ दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। विधिक जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। इस विधिक जागरूकता शिविर को 4 सत्रों में विभाजित किया गया, जिसके पहले सत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार और पारिवारिक परामर्शदाता संगीता प्रकाश द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई एवं चिकित्सा विभाग से नामित डॉक्टर शालिनी द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यशाला में महिला सर्वोदय मंडल की अध्यक्ष रितिका माथुर, पूर्व अध्यक्ष मंजू अग्रवाल, अनुजा अग्रवाल, कल्पना रानी, वरिष्ठ सदस्य शिखा नंदन, निक्की रानी, भाजपा की सदस्य रंजना सोनकर, रंजना गुप्ता, चित्रा, अर्चना सिंह, रीता गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विभागों से कुल 76 प्रतिभागी मौजूद रहे, जिसमें शिक्षा विभाग से सक्रिय अध्यापक समूह की सक्रिय महिलाएं, ICDS विभाग के कर्मचारी, महाविद्यालय के अध्यापक, छात्राएं एवं जनपद में महिलाओं के लिए सक्रिय स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं महिला कल्याण विभाग के नोडल जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित तुहिना दास, पूजा पांडे और अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी, महिला कल्याण विभाग के नोडल जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा ये 2 दिवसीय विधिक सेवा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है और ये जागरूकता जो शिविर है वो आज 23 जनवरी से आरंभ हुआ है और कल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर समापन किया जाएगा और इसका उद्देश्य मूल रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके कानूनी जानकारी को लेकर के ये शिविर का आयोजन किया गया है और ये शिविर जो आयोजित किया गया है उसमें बाकायदा 2 दिन के लिए सेशन वाइज टाइम फिलअप किए गए हैं, जिसमें आपको कानूनी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आपके सुरक्षा से संबंध में जो भी योजनाएं लाई गई है उसकी जानकारी और पुलिस द्वारा क्या पहल की जा रही है उसकी जानकारी सेशन वाइज आपको दी जाएगी। उसके बाद 24 तारीख को भी जो विभागों द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उस विभाग से संबंधित अधिकारीगण यहाँ आएंगे और वो अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देंगे और कल सेकेंड सेशन में आप लोगों का फिर दी गई प्रशिक्षण के संबंध में एक प्रश्नोत्तरी साधारण क्वेश्चन रहेंगे जो यहाँ पे बताए गए हैं, जानकारियाँ देंगे उस पर आधारित रहेंगे, वो आपको आप लोगों के माध्यम से उसका हल कराया जाएगा और एक एनालिसिस किया जाएगा कि कितने लाभप्रद हुआ हमारे लिए। तो इस प्रकार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण का मॉड्यूल है और इस प्रशिक्षण में हमारी मुख्य अतिथि माननीय उपाध्यक्ष अंजू चौधरी मैडम उपस्थित हैं, माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग निर्मला द्विवेदी मैडम उपस्थित हैं और उसके अलावा माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से राहुल कुमार सिंह सर उपस्थित हैं, सुनील सर उपस्थित हैं हमारे यहाँ न्याय विभाग से और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग संबंधी जानकारी देने के लिए डॉक्टर मैडम जी मैम डॉक्टर शालिनी जी उपस्थित हैं और एक श्रीमती संगीता त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, वो लगातार हमारे बीच में उपस्थित रहती हैं, कानूनों की जानकारी, महिला संबंधी सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरा आज का सेशन आरंभ होगा और जो हमारे मंचा सिंह पदाधिकारी हैं सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उन्होंने अपना समय निकाल करके यहाँ पे हमारे इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होने का प्रयास किया। तो ये कार्यक्रम चलेगा लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मैं अपने मुख्य अतिथि और मुख्य सचिवगण से भी अनुरोध करूँगा कि अपना दोस्तों जो बोल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
सो इसके अंदर माननीय सदस्य राज्य महिला महोदय हो गए दो शब्द बोल गए हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आजादी से आज तक महिलाओं की बहुत ही अहम भूमिका रही है और ये सीधा अनुसुईया रागी का देश है। यहाँ महिलाएं पूज्य हैं, महिलाएं पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे भारत माता के नाम से जानते हैं और हम लोग जब भी जयकारा लगाते हैं जरूर कहते हैं भारत माता की जय। तो ये हमारा देश, हमारा भविष्य, आप सबका भविष्य इसी पे है कि बेटियां खूब पढ़ें लिखें, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। बाकी आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और हमारा हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम सब भी आप सबके साथ इस कार्यक्रम को, हम लोग तो लगे ही रहते हैं, हमेशा करते ही रहते हैं, जहां भी हम लोग की आवश्यकता होगी हम सब आपके साथ हैं। आप जब भी हमें याद करें 12 बजे रात को भी अगर आप फोन करें तो जहां जैसा जिस तरह की आवश्यकता होगी हम सब आपके साथ हैं। ये कहते हुए मैं अपने बड़े को विराम देती हूँ। जय जय भारत। व्यवस्था जो भी सुविधाएं दी गई है उन सब सुविधाओं का आप लाभ उठाएं, इसलिए महिला आयोग द्वारा आज ये कार्यशाला आयोजित किया गया। ऑल ओवर इंडिया राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस तरह के कार्यशाला काफी नंबर में मोर देन 100 नंबर में आयोजित किया है जूनी का, ताकि हमारी बहनों को जो भी फैसिलिटीज वो मिल सके। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को बस यही बताना चाहती हैं कि नारी ही सृष्टि की बनाने वाली है और बिना नारी के सोचा ही नहीं जा सकता है कि आगे सृष्टि बन सकती है या कुछ हो सकता है। इसलिए महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को, बालिकाओं को बचपन से उसको आत्मविश्वास के साथ उसको आगे चलने के लिए और समाज में अपना स्थान बनाने के लिए और प्राउडली शिशु की देर कि हम एक पार समाज हैं और हम ही नहीं हैं, हम सब हम सफल हैं, हम कमजोर नहीं हैं, कहीं से हम अगला नहीं हैं, हम जो हैं समाज में जैसे आप हैं वैसे हम हैं। तो 50% हमारी बहनें हैं, नारियां हैं, लेकिन दुख की बात है कि राजनीति में हमारी बहनें उनकी सारी संख्या में नहीं आ पाती हैं। जरूर यही कहा जाता है, वैसे उसकी उनकी कम उम्र में राजनीति में जाने से बेहतर है कि नारी का जो पहला ड्यूटी है परिवार को देखभाल करना, परिवार बनाना, अपने परिवार का देखभाल करके अपने बच्चों को सजग कराते हैं, उसके बाद ही आप जरूर राजनीति में जाएँ या समाज सेवा में जाएँ। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपके पास अगर कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है और आप उसको कुछ काम कर सकती हैं समाज के लिए तो जरूर कीजिए, चाहे समाज सेवा के माध्यम से, चाहे किसी NGO के माध्यम से, चाहे आप राजनीति के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, लेकिन हर माध्यम से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। कहीं भी आपको कोई समस्या संकट आए तो जरूर संकल्प करें, जरूर काउंसलिंग करें अपना और परिवार में, आप को सुरक्षित रखें, परिवार को जोड़ करके रखें, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में, TV एंड मोबाइल, बच्चे उसी रेंज के उलझे होते हैं कि आपका एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिससे आप बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाती हैं और वो नतीजा होता है कि बच्चे हे गायब हो जाते हैं, वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगी, चाहे आप बहन हो, आपका भाई हो छोटा, या आपकी छोटी बहन हो, या आपकी बेटी हो, जो कोई भी हो, उसको आप आगे बढ़ने के लिए और उसको सही संस्कार देकर के उसको समाज में प्रेजेंट करें ताकि वो आगे चल करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देती हूँ इस नववर्ष में। हम लोग सबने मिलकर के ये बालिका दिवस मनाया है और महिला आयोग इसी तरह से काम करता रहेगा। हमारे साथ हमारी पुलिस विभाग है, हमारे न्याय विभाग है, ये सब विभाग हमारे साथ हैं और शिक्षा विभाग है, ये सब हमारे साथ हैं। कोई भी समस्या आपको हो तो जरूर हमसे, हम लोगों से आप अपनी बातों को रख सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के शुभ दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग्य हो जाएगा ये आधे घंटे के बाद इस सत्र में महिला की स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें के बारे में आप सभी को जागरूक करने का काम किया है। दिल्ली खंड
एंटी हम लोग मनवाड़ी रहती है, उनका पूरा उपहार दिया जाता है, तो सभी महिलाएं तो इसका लाभ उठाए और लोगों को तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस फोरम के माध्यम से सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वो यहाँ से जाना चाहते हैं, प्लीज जानकारी पूरी प्राप्त कर ली है। ये दोनों हमारे आज मैं अपने को बहुत समय पर आज जहाँ मैं आई हूँ वहाँ मैं अभिभूत हूँ, आके बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। निर्मला द्विवेदी महिला आयोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे आज ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है। पूरे यूपी के कुछ जिलों में हम ये आयोजन कर रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे। यहाँ महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं, सरकार की कितनी योजनाएं हैं, वो किस तरह से चलाई जा रही हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। कार्यशाला जो अभी हो रही है इसमें महिलाओं को सरकार की कितनी योजनाएं हैं, सरकार का महिलाओं का कितना विकास किया जा सकता है, उसके बारे में कार्यशाला का आयोजन हुआ है और बहुत सारी बहनें इस कार्यशाला में शामिल हैं। मेरा नाम सरजीत सिंह, मैं जिला प्रशासन अधिकारी गोरखपुर। जैसा कि आप को ज्ञात है राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा ये दो दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। ये आयोजन राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे जो कि 24 जनवरी 2021 को ये मनाया जाएगा इस वर्ष का, तो ये उसी के अवसर पे साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें महिलाओं को उनके न्याय संबंधी अधिकार क्या क्या कानून बनाए गए हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए उनके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं सरकार द्वारा, इसके अलावा पुलिस द्वारा क्या क्या उनकी सुरक्षा के लिए पहल किए गए हैं, इन सभी चीज़ों का मतलब इस शिविर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में जो महिलाओं संबंधित विभाग हैं उन विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण भाग लिए हैं, इसके अलावा जनपद के NGO और जो सक्रिय समाजसेवी महिलाएँ हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट के लिए आमंत्रित किया गया है और इनके माध्यम से जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ये इनके माध्यम से हम लोग फिर जनपद में सभी महिलाओं तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये साक्षरता शिविर जो है ये दो दिवसीय है, आज इसका दो सत्र में आयोजन है, फिर पुनः कल दो सत्र में आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विभाग जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं उनका सेशन वाइज कार्यशाला में उनके विशिष्ट जो अधिकारी हैं विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा संबोधन दिया जा रहा है और कल कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो उसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका क्वेश्चनायर के माध्यम से इस लाभ को आकलन किया जाएगा कि कितना इनको लाभ हुआ है। इस प्रकार से ये दो दिवसीय है और इसमें हमारी माननीय उपाध्यक्ष संजीव चौधरी मैडम राज्य महिला आयोग की प्रतिभा की हैं और माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग निर्मला द्विवेदी मैडम प्रतिभा की हैं। इसके अलावा माननीय सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण श्री राहुल कुमार सिंह सर प्रतिभा किए हैं, उन्होंने न्याय संबंधी जो कानून बनाए गए महिलाओं के लिए उसकी जानकारी दिया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से भी आई हैं डॉक्टर शालिनी जी और CDO सर ने प्रतिभा किया, आपने संबोधन दिए हैं, इस प्रकार से ये कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। हाँ हाँ, इस कार्यक्रम के दौरान ही जो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट की हैं जो अधिकारी कर्मचारीगण जो आए हुए हैं इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधित हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ करके उनसे इस साथ का शपथ दिलाया जा रहा है कि वो बेटियों के प्रति हमेशा सजग रहेंगी और उनके न्याय अधिकार उनकी शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य सब पर ध्यान देंगे सब। मैं अंजू चौधरी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व महापौर गोरखपुर की हूँ और आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है ताकि हम लोग अपनी बातों को रख सकें और बातों को जान सकें और बता सकें। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा आयोजित किया गया है, गोरखपुर में भी आयोजित किया गया है महिला आयोग, स्टेट महिला आयोग के हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर यह आयोजन किया गया है। इसमें ये दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारी बहनें बेटियां अपनी लीगल राइट्स को जानें, जो योजनाएं सरकार की हैं उसको जानें और जितनी भी समाज में उनके लिए जो जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उन सबको जानें समझें। उसके लिए हमारे अलग अलग स्पीकर्स आए हैं, मेडिकल से लेकर के एजुकेशन लीगल हर
तरह के स्पीकर आए हैं और उनको इस बात चीज़ों के जागरूक किया जा रहा है, अवेयरनेस लाया जा रहा है और इस तरीके से हमारी बेटियां और बहनें अपने राइट्स को जान करके अपना स्थान बना सकेंगी समाज में। यही मुख्य उद्देश्य है इस बालिका दिवस में। राष्ट्र पूरा बालिका दिवस मना रहा है और बालिकाओं के भविष्य के लिए, उसके जानकारी के लिए हम लोग आज यहाँ ये कार्यशाला, दो दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया है।